हरियाणा सरकार अब प्रदेश की आबोहवा सुधारने के लिए प्रयासरत है और इसके तहत सरकार दिल्ली एनसीआर से लगते जिलों में इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाने जा रही है। इन बसों को चार्ज के लिए चार्जिंग स्टेशन भी बनाए गए हैं, जिसके लिए जगह की तलाश की जा रही है। इस संबंध में परिवहन विभाग के अधिकारियों से कहा गया है कि वे अपने अपने जिले में संभावित चार्जिंग स्टेशनों के लिए जगह की तलाश कर रिपोर्ट जल्द दें। आपको बता दें कि पहले चरण में सरकार ने 124 बसें चलाने की योजना बनाई है। इनके चलने से प्रदूषण से काफी हद तक छुटकारा मिलने के साथ ही सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को भी मजबूती करने में मदद मिलेगी। पिछले दिनों फरीदाबाद में 10 सिटी बसों का परिचालन कर इसकी शुरुआत की गई है। इसके अलावा सरकार ने वर्ष 2021 से 22 में BS6 उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करने वाली 800 मानक गैर AC बसों की खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही मीटर स्कीम के तहत किराए पर ली गई 536 बसों का संचालन भी शुरू कर दिया गया है। इस तरह जल्द ही हरियाणा रोडवेज के बेड़े में बसों की संख्या 5000 से अधिक हो जाएगी। प्रदेश में 54 वोल्वो मर्सिडीज सुपर लग्जरी AC बसें, 18 सुपर लग्जरी AC मल्टी एक्सल बसों का संचालन भी किया जा रहा है। परिवहन मंत्री ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक बसों को चलाने के लिए पर्याप्त चार्जिंग स्टेशन भी होने चाहिए। इसके लिए विभाग के अधिकारियों को ये पांचों जिलों में संभावित स्थानों को तलाशने का आदेश दे दिया गया है, जहां चार्जिंग स्टेशन बनाए जा सकते हैं। परिवहन मंत्री का कहना है कि एक बार चार्ज होने पर बसें करीब 150 से 200 किलोमीटर तक आसानी से सफर तय कर सकती हैं। इस बात को ध्यान में रख जगह की तलाश की जा रही है। उन्होंने बताया वर्ष 2024 तक 5 जिलों में इलेक्ट्रॉनिक बसें दौड़ने लगेंगी। प्रदेश के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि पहले चरण में देश की राजधानी दिल्ली से लगते हरियाणा के जिले फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत, पानीपत और CM सिटी करनाल में इलेक्ट्रॉनिक बसों को चलाने की योजना है। उनका कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक बसों के चलने से पर्यावरण प्रदूषण में तेजी से कमी आएगी, साथ ही सार्वजनिक परिवहन प्रणाली और मजबूत होगी। परिवहन मंत्री ने कहा दिल्ली NCR के शहरों में फरीदाबाद और गुड़गांव ऐसे शहर हैं जहां की आबोहवा सबसे अधिक खराब रहती है। इन शहरों को AQI PM2.5 का स्तर 500 से अधिक पहुंच जाता है। ऐसे में इन दोनों शहरों में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक बसें दौड़ाई जाएंगी। हाल ही में एक संस्था की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में 22 शहर भारत के हैं। इनमें दिल्ली के साथ NCR के कई शहर शामिल हैं। इनमें फरीदाबाद 11वें स्थान पर है, जबकि गुड़गांव 24वें स्थान पर है। इसके अलावा गाजियाबाद दूसरे, नोएडा छठे व ग्रेटर नोएडा 7वें स्थान पर है। ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक